ब्लू कलर अवेलेबल है, बाकी इसमें और भी कलर अवेलेबल होता है, मैं एक बार आपको सभी कलर दिखवा देता हूँ। ये इसका पूल साइड ब्लू कलर है, इसके अलावा ये इसका व्हाइट कलर अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। उसके अलावा कुछ नए कलर और अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। उसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं आप, ये सिल्की सिल्वर कलर है जो पहले से अवेलेबल होता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसके बराबर में ये बिल्कुल CNG मॉडल में ब्राउन कलर है जो बिल्कुल लेटेस्ट अवेलेबल होता है। उसके अलावा मैग्मा ग्रे कलर भी मैं एक बार आपको दिखवा देता हूँ इसके अंदर। बाकी दोस्तों देख सकते हैं ये इसका मैग्मा ग्रे कलर अवेलेबल होता है। चलिए बाकी वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं वैगनार का CNG मॉडल पूरा डिटेल वीडियो। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल डिजाइन के साथ में, तो आप देख सकते हैं काफी बढ़िया स्टाइलिश आपको डिजाइन मिल जाता है। बाकी अगर बात करें दोस्तों इसके बोनट डिजाइन के साथ में, तो आपको 2 करेक्टर लाइंस के साथ में बोनट डिजाइन मिल जाता है काफी बढ़िया। उसके अलावा देख सकते हैं हेडलाइट की आपको डुअल चैम्बर हेडलाइट अवेलेबल हो जाती है जो काफी स्टाइलिश दिखती है, काफी बढ़िया दिखती है। उसके अलावा ग्रिल की बात करते हैं तो आपको सिल्वर लाइनिंग के साथ मिल जाती है और साथ में मिल जाता है सुजुकी का लोगो। उसके अलावा नीचे आपको एयर डैम की बात करें, जो आपकी ग्रिल है वो काफी ओपन मिलती है जो एयर वेंटिलेशन को काफी बढ़िया कर देती है। उसके अलावा फॉग लाइट का ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं होता CNG मॉडल में। बाकी देख सकते हैं आप साइड प्रोफाइल भी इसका, मैं आपको साइड प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ दोस्तों। साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं काफी बढ़िया साइड प्रोफाइल मिल जाता है आपको कार के साथ में। उसके अलावा बात करते हैं फेंडर में ही आपको मिल जाता है इंडिकेटर का ऑप्शन, आपको मिल जाता है दोस्तों फेंडर में ही इंडिकेटर का ऑप्शन। उसके अलावा बात कर लेते हैं ट्यूबलेस टायर के साथ में, आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है 13 इंची के टायर अवेलेबल हो जाते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे। उसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों आपको मिल जाते हैं आउटसाइड मिरर ब्लैक कलर के साथ में। उसके अलावा मिल जाते हैं साथ में आपको डोर हैंडल में भी सेम ब्लैक कलर का ऑप्शन। बाकी आप देख सकते हैं काफी बढ़िया करेक्टर लाइंस आपको मिल जाती है देखने के लिए यहाँ पर। बाकी बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बैक प्रोफाइल के साथ में, तो आप देख सकते हैं काफी बढ़िया सा स्टाइलिश आपको बैक प्रोफाइल मिल जाता है। आपको मिल जाता है सबसे टॉप पे CNG का लोगो। उसके अलावा आपको मिल जाती है हाई माउंट लैंप। बाकी बैकलाइट के बारे में बात करते हैं तो काफी स्टाइलिश सी बैकलाइट आपको मिल जाती है देखने के लिए। उसके अलावा वैगनार का लोगो मिल जाता है आपको पीछे क्रोम के साथ में। उसके अलावा सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है साथ में। उसके अलावा दोस्तों आपको मिल जाता है 2 आई पार्किंग सेंसर का ऑप्शन बम्पर के अंदर, और काफी बढ़िया स्टाइलिश बम्पर आपको मिल जाता है इसके अंदर और काफी बढ़िया दिखता है। उसके अलावा नीचे की तरफ आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर दोनों साइड में। बाकी अंदर से CNG है तो आपको स्पेस भी दिखा देता हूँ कितना ज्यादा स्पेस मिल पाता है इसके अंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको मिल जाता है काफी बढ़िया सा स्पेस CNG मॉडल के साथ में। ऊपर की तरफ आपको मिलती है पार्सल ट्रे का ऑप्शन। उसके अलावा नीचे आपको CNG फिटमेंट अवेलेबल होती है मैन्युफैक्चरिंग फिटमेंट के साथ में, और स्पेयर व्हील को निकालने में काफी बढ़िया सहूलियत आपको मिल जाती है इसके अंदर। और साथ में आप देख सकते हैं काफी बढ़िया से फिटेड अवेलेबल होता है CNG का जो सिलेंडर है, काफी अच्छे से फिट है यहाँ पर। चलिए दोस्तों इंजन की बात कर लेते हैं, आपको मिल जाता है बहुत बढ़िया पावरफुल 1000 CC वाला इंजन जो के सीरीज के साथ में अवेलेबल होता है। उसके अलावा अगर बात करें इस इंजन की माइलेज एवरेज की, तो इस सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा माइलेज एवरेज क्लेम करता है ये, लगभग CNG में 32 किलोमीटर पर किलोग्राम का एवरेज क्लेम होता है इसके अंदर। और पेट्रोल में अगर बात करें तो लगभग 22 किलोमीटर के आसपास का कंपनी का क्लेम रहता है। उसके अलावा आप इंजन की फिटमेंट इंजन में देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से जो CNG की फिटमेंट है वो कितने बढ़िया तरीके से लगी हुई होती है, और काफ़ी सेफ अवेलेबल होती है मारुति की कार्स, इसीलिए सबसे ज़्यादा भी बिकती हैं। उसके अलावा डबल ECM का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है इसके अंदर, आपको CNG वेरिएंट है तो डबल ECM का ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है। उसके अलावा CNG की जो फिटमेंट है वो देखिए बहुत ही बढ़िया है, और 5 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी के साथ ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है CNG का, और सेफेस्ट कार अवेलेबल कराती है मारुति CNG की सभी गाड़ियाँ। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं ड्राइवर साइड विंडो के बारे में, तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाती है विंडो यहाँ पर, और आपको मिल जाते हैं दोनों पावर विंडो के बटन आगे ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। उसके अलावा सेंट्रल लॉक का बटन। उसके अलावा नीचे की तरफ आपको मिल जाता है बोतल स्पेस, पेपर स्पेस और स्पीकर का स्पेस मिल जाता है, बट दोस्तों इसमें स्पीकर अवेलेबल नहीं होता है। उसके अलावा देख सकते हैं आपको मिल जाता है काफ़ी बढ़िया ट्रिम के साथ में यहाँ पे प्लास्टिक आर्मरेस्ट। और उसके अलावा डोर हैंडल की बात करें तो आपको मिल जाता है ब्लैक कलर के साथ में। उसके अलावा सेफ्टी वार्निंग के इंडिकेशन यहाँ पे स्टिकर आपको मिल जाता है। उसके अलावा अंदर का इंटीरियर दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको मिल जाता है डुअल ब्लैक एंड बेज कलर का इंटीरियर। स्पेस की बात करें तो काफी बढ़िया स्पेस दिख जाता है आपको इसके अंदर। बाकी दोस्तों अंदर का इंटीरियर आप देख सकते हैं काफी बढ़िया स्टाइलिश इंटीरियर आपको मिल जाता है वैगनार के CNG वेरिएंट के अंदर।
ऑलमोस्ट सभी वेरियंट में वैसे तो सेम इंटीरियर अवेलेबल होता है, बाकी ये सीएनजी मॉडल है तो आपको देख सकते हैं डुअल टोन का इंटीरियर ये अवेलेबल होता है। म्यूजिक स्टूडियो का स्पेस आपको मिल जाता है बट म्यूजिक स्टूडियो अवेलेबल नहीं होता है। उसके अलावा स्टाइलिश है, बिल्कुल बढ़िया दिखता है इंटीरियर। और स्टीयरिंग की बात करें तो काफी स्टाइलिश है, स्टीयरिंग आपको मिल जाता है यहाँ पे। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी कीज के बारे में, तो आपको नॉर्मल की अवेलेबल हो जाती है, आपको सिंपल की अवेलेबल होती है, कोई सेंटर लॉक अवेलेबल नहीं होता है इस पे। बाकी स्टीयरिंग की बात करते हैं तो काफी बढ़िया स्पोर्टी स्टीयरिंग आपको मिल जाता है, जिस पे आपको मिल जाते हैं एयरबैग के ऑप्शन, सुजुकी का लोगो, काफी स्टाइलिश सा आपको स्टीयरिंग मिल जाता है, ग्रिपिंग काफी बढ़िया मिल जाती है और काफी छोटा सा है, काफी बढ़िया है, चलाने में आरामदायक भी मिलता है। उसके अलावा मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी दोस्तों आपको मिल जाता है सीएनजी मॉडल के अंदर, और फ्यूल इंडिकेशन आपको अवेलेबल हो जाते हैं पेट्रोल सीएनजी के दोनों के सेपरेट सेपरेट अलग अलग अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं काफ़ी सारे इंडिकेशन आपको अवेलेबल होते हैं इसके अंदर, आपका सीट बेल्ट वगैरह हैंडब्रेक वगैरह के सभी ऑप्शन यहाँ दिख जाते हैं, फ्यूल टेम्परेचर का इंडिकेशन अवेलेबल हो जाता है। उसके अलावा क्लोक अवेलेबल हो जाती है इसी के अंदर आपको, बाकी आप देख सकते हैं नॉर्मल मॉडल है तो आपको सिंगल एयरबैग का ही ऑप्शन अवेलेबल होता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं म्यूजिक स्टूडियो का स्पेस आपको यहाँ अवेलेबल हो जाता है, आप अपनी चॉइस का स्टूडियो फिट ऑन करा सकते हैं। उसके अलावा नीचे की तरफ एसी के बटन आपको अवेलेबल हो जाता है सिंपल, नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट अवेलेबल हो जाता है। बाकी बात करते हैं गियर नॉब की, तो काफी बढ़िया सी आपको ऊपर की तरफ दिखने वाली गियर नॉब मिल जाती है जो काफी ऊपर की तरफ है, आरामदायक है, आप देख सकते हैं काफी बढ़िया से। उसके अलावा देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पे स्पेस मिल जाता है आपको, कॉइन होल्डर मिल जाता है, आप यहाँ पे कप होल्डर का यूज कर सकते हैं, नॉर्मल आपको मिल जाती है यहाँ पे हैंड ब्रेक की नॉब। बाकी अगर फैब्रिक क्वालिटी की बात करें तो सीट की जो फैब्रिक क्वालिटी है वो काफी बढ़िया बन जाती है, कुशनिंग काफी बढ़िया है और कलर भी काफी बढ़िया मिल जाता है आपको, बेज कलर में ही मिल जाता है। बाकी पीछे भी आप देख सकते हैं दोस्तों काफी बढ़िया स्पेस आपको अवेलेबल हो जाता है, आपको सेम कलर का इंटीरियर अवेलेबल हो जाता है और स्पेस के मामले में तो वैगनार बहुत बढ़िया है। चलिए पीछे से भी मैं आपको स्पेस दिखा देता हूँ, तो दोस्तों पीछे का स्पेस भी आप देख सकते हैं काफी जगह मिल जाती है, काफी अच्छा हेडरूम मिल जाता है आपको केबिन के अंदर, काफी स्पेसियस है गाड़ी। और अगर बात करें तो आगे भी आपको पैसेंजर केबिन में भी बढ़िया स्पेस मिलता है, काफी अच्छा लेगरूम वगैरह मिल जाता है, और जो हेडरेस्ट है ड्राइवर को ड्राइवर और पीछे पैसेंजर केबिन की, वो सभी के सभी इंटीग्रेटेड आपको अवेलेबल हो जाता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं काफी बढ़िया कुशनिंग के साथ यहाँ पे फैब्रिक अवेलेबल होता है, और जो सीट है ड्राइवर साइड वो काफी पीछे, उसके बाद भी काफी बढ़िया स्पेस है। बाकी पीछे वाली विंडो के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो पीछे वाली विंडो में भी आपको सेम चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, आपको मिल जाता है मैनुअल पावर विंडो का हैंडल, उसके अलावा आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट विद प्लास्टिक के साथ में, उसके अलावा आपको मिल जाता है सेम ब्लैक कलर में डोर हैंडल। उसके अलावा बात करते हैं तो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे बोतल होल्डर और छोटा मोटा पेपर होल्डर और स्पीकर का स्पेस अवेलेबल हो जाता है। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं BS6 के सभी सेफ्टी नॉर्म्स पूरे होते हैं आपको इस कार के अंदर, आपको मिल जाते हैं एयरबैग, ABS, EBD, पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इसी के अंदर। दोस्तों डुअल एयरबैग का ऑप्शन भी ऑन डिमांड जो ऑप्शनल मॉडल के अंदर अवेलेबल होता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को करते हैं खत्म, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। चलिए दोस्तों अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए, जय हिंद दोस्तों।